So, yo, भाई लोग यार कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज की इस वाली वीडियो में अपन लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं यार GTA 5। एंड गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं यार, अपन दो दिन के बाद GTA 5 का वीडियो डाल लेते तो कुछ इशू आ गया था, उस वजह से मैं नहीं कर पाया था, बट स्टिल अब हम दोबारा से जा रहे हैं खेलने के लिए। एंड मैं पहले बता दूं कि यार इन दिनों हमारे बीच साथ हो चुका है एक अपनी जो एक गाड़ी थी जिसका नाम था आई थिंक मैक्लारेन, वो गाड़ी अपनी बिक चुकी है $6,00,000 की। क्योंकि यार देखो इन दिनों के बीच में वो मतलब एक बंदा आया जिसको पसंद आया, उसने खरीद ली, मैंने कहा चल ठीक है ले जा भाई क्या कर सकते हैं अभी, तो वो ले गया। और उसके चक्कर में अभी मेरे को जाना पड़ रहा है भाई लोग सच्ची में लेने के लिए, एक और नई गाड़ी को लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो इंस्टेंटली अभी मैं फटाफट से यहाँ से जाऊँगा अपनी यार KTM लेकर जाने वाला हूँ। एक सेकेंड गाइज, मेरी KTM कौन लेके चला गया यार, मेरे को फिर से लैम्बोर्गिनी चलानी पड़ेगी भाई यार। लैम्बोर्गिनी ऐसी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन यार पता नहीं क्यों ये मेरे से ठुकती बहुत ज़्यादा ही है इंस्टेंटली। एंड आई थिंक मेरे ख्याल में जिमी लेकर चला गया ना मेरी लैम्बोर्गिनी। हाँ यहाँ तो खैर फॉर्चूनर खड़ी है अपनी, वो रही जिमी की फॉर्ड, यानी कि वही लेकर गया भाई मेरी लैम्बोर्गिनी को। लिटरली बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पिटेगा मोटा मेरे हाथ से किसी दिन, मेरी मतलब लैम्बोर्गिनी तो मेरे हाथ में ही है। R15 लेकर चला गया गाइस, R15 जो मेरी बाइक थी यार उसको लेकर चला गया। और आज मेरा मन था उस बाइक को चलाने का। एंड ये जो लैम्बोर्गिनी है ना भाई, रेस देते के साथ ही यार हवा से बातें करती है, हवा से। बाकी लिटरली मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरे को इधर जाना है इस वाले रास्ते से। एंड साइड हट जाओ भाई जी, यार यहाँ से साइड हट जाओ थोड़ा सा। एंड लिटरली देख रहा भाई अपनी कटिंग्स कैसी देती है लैम्बोर्गिनी यार, लिटरली दिल खुश हो जाता है चलाते टाइम, लेकिन जब ठुकती है ना तो यार बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है इसकी। खैर कोई नहीं, अभी मैं जा रहा था गाइस यार अपने शोरूम पे, गाड़ी वाड़ी मैंने टॉमी को कॉल करके बोल दिया कि फटाफट से भाई तुम शोरूम पे आओ, वेट नहीं कर सकता मैं, फटाफट से जितना जल्दी हो सके शोरूम पे आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम बस पहुँचो वहाँ पे। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम पहुँच बस, मैं आ गया जस्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार एक गाड़ी लेने के लिए, काफ़ी मतलब सुपर कार सी हो जो कि अच्छी खासी, एक ही गाड़ी नहीं है अपने शोरूम में ना, एक भी सुपर कार नहीं बची है लिटरली, तो उसके लिए मेरे को लेने जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फटाफट से गाइस मैं पहले पहुंचूंगा शोरूम पे। एंड गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपने इधर लाइक नहीं करा है तो लाइक करो चैनल, और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करके पे सेट कर दो। एंड गाइस इंस्टा आईडी आप लोगों को दिख रहा है फॉलो कर लो, एंड कमेंट सेक्शन में दिखाना कैसे लगी आपको वीडियो, और शेयर करो तो कर देना यार, वरना बोलने की जरूरत है नहीं, करते तो नहीं फिर भी कोई बात नहीं। चलो मैं मिलता हूँ फटाफट से पहले अपने शोरूम पर पहुँचता हूँ। तो भाई लोग यार देखो अभी हो चुकी थोड़ी सी प्रॉब्लम यार, मेरे को लेसर का कॉल आया था बीच रास्ते में, उसने बोला कि फटाफट से जितना जल्दी हो सके फैक्ट्री पे आओ, तुम्हें एक बात बतानी है बहुत कमाल की बात है, और जितना जल्दी हो सके आ जाओ। तो मैं यार मतलब पूरी गाड़ी घुमा के इतनी देर में लगा के मतलब एंड से लेके दूसरे बिल्कुल लॉस एंजेलिस के मेन सिटी के अंदर आया हूँ, बिल्कुल मेन सिटी के अंदर देख लो, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास में, ठीक है। तो अभी देखते हैं यार इसे आगे इतनी क्या मेन काम पड़ गया भाई एकदम से इस बंदे को, जो एकदम सुबह सुबह याद कर लिया। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत हो गई, कह रहा मैंने तेरा सुबह से फ़ोन ट्राई करूँ, तेरा फ़ोन सुबह सुबह स्विच ऑफ था और अभी तू मतलब उठाया, तो तू जल्दी से फटाफट आ जा। मैं कहा चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो जैसे तैसे करें मैं फटाफट यहाँ पे आया हूँ बड़ी जल्दी से, गाड़ी मतलब 300 की स्पीड से भगा के लाया हूँ, 300 तो मजाक हो गया, बट 250 की स्पीड मैंने भगाई थी यार लिटरली। एंड यहाँ पे भाई ये तो ड्राइवर यहाँ क्या कर रहा है यार, मतलब समझ रहे हो यार कुछ तो खाम है आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगी आज मतलब अगर इसने बुलाया तो कुछ तो गड़बड़ है। और एक थिंग यहाँ पे जिससे मैं बात करके पूछता हूँ कहाँ पे है ड्राइवर से यार। तो भाई लोग यार ड्राइवर मेरे को बोल रहे हैं कि यार देखो लेसर नीचे अपना पता नहीं कुछ काम वाम कर रहा है बिल्डिंग के पीछे जाके। मैं कहा बिल्डिंग के पीछे जाके क्या काम कर रहा है यार, मेरे को तो नज़र नहीं आया अभी तक, नीचे से तो मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, तो ये कहाँ से आया। तो कहा ठीक है चलो तुम जाके खुद देखते हैं आ जाओ, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मुझे भी उसने बुला के बस अभी भेज दिया, ऊपर खड़ा कर दिया है। तो यहाँ मैं अपने मस्त सुट्टे उट्टे मार रहा था, बाकी नीचे बंदा खड़ा होगा भाई लैम्बोर्गिनी पे क्यों चल रहा हूँ मैं यार, मेरी लैम्बोर्गिनी है लेकिन मजबूत बहुत है। बाकी इधर से एक आवाज़, ओए भाई 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 भाई, ओ भाई क्या 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 कर दिया ये, कर क्या रहा भाई ये सब, ना 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 उधर नहीं देखना भैया, उधर नहीं देखना आँखें खराब हो जाएंगी। वैसे माइकल ने तो चश्मा लगा रखा है यार, वो देख लो यार मतलब किस लेवल की गाड़ी बनाई है भाई इस बंदे ने। चलो इसे बात करते हैं यार, कुछ तो मतलब तगड़ा प्लान है इस बार कुछ ना कुछ तगड़ी बातचीत है, तभी इसने मतलब ये सब कुछ सीन करके बिठा रखा। तो मैं सब बात बात कर लेता हूँ एंड मिलता हूँ अभी रुको थोड़ी देर में। तो भाई लोग यार देखो अभी मैंने इस लेसर से मतलब बात कर ली, और ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई तुम्हें देखो यार अभी मैं इतना खावा ज़बरदस्त काम देने वाला हूँ ना, जिसको करने के लिए मतलब हिम्मत और जिगरा दोनों चाहिए, यानी कि ये हमें भेजने वाला है मिलिट्री बेस में। मिलिट्री बेस समझते हो ना यार, जहाँ पे पुलिस नहीं मिलिट्री होती है कर लाखों की तादाद में यार, उधर भेज रहा हमको।
उसके लिए ये गाड़ी इसने तैयार करी है। वैसे गाड़ी तो यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर काफ़ी मतलब स्टील एलुमिनियम यार फुल क्रोम की हो रखी है, एकदम खतरनाक गाड़ी है। वैसे फुल बुलेट प्रूफ, कोई दिक्कत होने की बातचीत तो है नहीं, बट ये बंदा कह रहा है कि तुम मतलब वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ना तुम ये गाड़ी चाहो तो वहाँ छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस चीज़ को चोरी करने तुम जा रहे हो ना एटलीस्ट वो ज़रूर चोरी करके लाना, वो बहुत काम की चीज़ है यार। वो अगर तुमने चोरी कर लेना तो मतलब एक फ्लाइंग बाइक समझ सकते हो तुम उसको, कि एक फ्लाइंग बाइक है जिसके बाद तुम हवा में उड़ सकते हो, हवा में उड़ सकते हो बाइक के थ्रू, अपने अपनी बाइक के थ्रू। तो मैं चलो कोई नहीं, मैं कहा ठीक है, मैंने हाँ कर तो दिया। अभी ये बंदा मेरे को थोड़ी बहुत देर में सूट वूट मंगा के दे रहा है कि तुम वो सूट पहन के जाना जिससे अगर तुम बाहर निकलोगे ना लड़ने के लिए तो तुम्हें ज़्यादा गोलियों का असर नहीं होगा, तो वो सूट वगैरह मैं पहन लेता हूँ अभी ला के इसकी तरह से, एंड गाइज मिलता हूँ अभी। तो भाई लोग यार अभी देखो अपन ने पूरा मतलब सूट वूट पहन के रेडी हो चुके हैं और अपना लेसन नीचे वेट कर रहा है, और ये अपनी लैम्बोर्गिनी है मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ यार इसको, कोई बात नहीं है। एंड आप लोग सोच रहे हो यार शोरूम पे अभी क्या करोगे, तो शोरूम पे मैंने अभी टॉमी को भेज दिया यार, वो आज की डेट में यार शोरूम को संभाल लेगा। एंड लेसर तो यार देख लियो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर। भाई साउंड सुनो गाड़ी का साउंड यार इतना ज़्यादा ओपी लग रहा है, मतलब भाई इसको मैकेनिक का काम भी आता है क्या भाई तेरे को लेसर यार, इससे आगे मैं पर्सनली पूछूंगा आखिर। बाकी गाइस यार मैप में मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे कहीं आसपास इधर कहीं आएगा यार मिलिट्री बेस जिसके लिए मेरे को जाने का है अभी, एंड यहाँ से भी मैं फटाफट निकल चुका हूँ, और यहाँ से जाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज यार बहुत ज़्यादा दूर है मिलिट्री बेस, जेब में नहीं धरा मेरी बहुत मतलब गाड़ी की स्पीड भी तगड़ी यार, और फुल बुलेट प्रूफ आर्मर्ड कार है। मैं वो लेसर ना पूछूंगा जरूर यार से आता क्या क्या है, एटलीस्ट जितने भी इसके अंदर के टैलेंट है ना उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो करेंगे अपन लोग यार, कि मतलब इतना टैलेंटेड बंदा है इसके पास नहीं क्या क्या आता है यार, क्या नहीं आता ये पूछना चाहिए आई थिंक मुझे, है ना। जिसको देखो हैकिंग मैकेनिकिंग मतलब पूरी गाड़ी यार ऐसी बना दिया ना इसने यार, लिटरली ओपी लेवल। तो फटाफट मैं इसमें पहुँचता हूँ मिलिट्री बेस, एंड देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होने वाला अभी। भाई लोग यार देखो अपन पहुँच चुके हैं मिलिट्री बेस, और यहाँ से आपको शुरू हो चुका होगा दिखना फाइनली, और अपनी गाड़ी की स्पीड देखो यार 160 किलोमीटर पर आवर, उसकी हैंडलिंग यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कर दी यार, मतलब लेसन ने स्लिप भी कम होती है एकदम, मतलब स्पीड में मुड़ती भी सही ठीक ठाक है, एंड मतलब कटिंग तो इतनी खतरनाक दे रही ना भाई, लैम्बोर्गिनी से तगड़ी फील आ रही है इसको चलाते टाइम, साउंड भी बहुत ज़्यादा ओपी है। एंड बी लाइक यहाँ से भी मेरे को मतलब स्पीड में भगाना पड़ेगा गाड़ी को, बिकॉज यार यहाँ से अंदर जाने का जो रास्ता है ना, या तो मैं मेन डोर से जाऊँ या फिर मैं फिर देखना पड़ेगा भाई, मतलब लिटरली यहाँ से जाने से पहले मेरे को थोड़ा सोचने दो यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सर के ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह नज़र आ रहे हैं यार मेरे को। तो चलो भाई लोग यार अपन लोग रेडी हैं, मतलब अभी हम जाने वाले हैं फुल स्पीड में, पहले टायर गर्म कर लूँ अच्छे से, क्योंकि यार टायर में मतलब निकलने नहीं चाहिए ना, स्पीड में जानी चाहिए एकदम गाड़ी गाड़ी जो भी है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जंप लगा दूँ, बट ये बाइक नहीं है यार ये गाड़ी है यार, ये पल मतलब पहुँच पाए ना पहुँच पाए इस बात का यकीन नहीं है ना मेरे को, और यहाँ से मैं सीधा तोड़ के अंदर जा चुका हूँ। और भाई 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 भाई, भाई मैं चार पुलिस पीछे पड़ गई छूटते के साथ ही, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। लेकिन अपनी गाड़ी यार बुलेट प्रूफ है, हम डर क्यों रहे इतना, हमें जिस काम से आए ना सीधा उस काम को करना है बस। और यहाँ पर देखो तो मतलब बंदों बंदों को मारने से याद है ना, हमें सीधा काम पर ध्यान देना है कि हमें बाइक चोरी करनी है बस, वो जो फ्लाइंग बाइक है इनकी, वो बाइक कहाँ पे मिलने वाली है उसका ध्यान रखना बस, बाकी हमारा काम जो है वो कुछ नहीं है यार। इस गाड़ी को हम यहीं छोड़ के निकल जाएंगे, मैं और ट्रावर बैठ के फटाफट जो पहुँच जाएंगे। मैं एंटर तो हो चुका हूँ, बट यार यहाँ से कैसे निकलेंगे, गाड़ी मिलेंगी कहाँ पे यार, ये तो बताया नहीं लेसर ने, और ना हमने पूछा यार उससे, हम अंदर तो आ गए लेकिन हमें ये नहीं पता यार गाड़ी मिलने कहाँ वाली है लिटरली। चलो कोई नहीं यार अब ढूंढते हैं भाई साहब, मतलब लोगों ने यार इन्होंने मतलब गाड़ी की ऐसे तैसे करने के लिए मतलब टैंक वगैरह बुला लिए भाई, ये नहीं चाहते भाई मिलिट्री बेस के अंदर कोई सा बंदा आ जाए, टैंक देख रहे हो कितनी गंदी तरीके से चला रहे हैं यार ये, एक से एक अपग्रेडेड गाड़ी भी कितना सह पाएगी, मतलब यार यहाँ के सारे मैंने जितने भी वो वेयर हाउस वगैरह सब चेक कर लिए, बस एक लौता ये वेयर हाउस बचा हुआ है यहाँ पर, एंड इसके अंदर भी एक बार मैं नहीं टैंक भाई सामने और मिलगी गाड़ी मिलगी भाई मिलगी ट्रावर जल्दी निकल गाड़ी पे बैठ, बाइक पे आ जल्दी आ बाइक पे आ। बाकी ट्रावर को मैं बोलता हूँ ये बंदा जो है मतलब अपनी कार लेके यहाँ से निकले फटाफट। बाकी भाई लोगों मतलब काफ़ी मतलब 5-4 मिनट हो चुके हैं, और अभी मैं यहाँ से इस गाड़ी को लेकर भाग रहा हूँ यार, ट्रावर को हम तो जैसे जैसे करके निकाल लेंगे प्रिजन वगैरह में जाके एस्केप करवा देंगे, और इस गाड़ी को उड़ा दिया भाई मैंने यार, क्या बाइक है ये, वो क्या बाइक है भाई, सच में हवा में उड़ती है ये, ओ भाई लिटरली। एंड आई थिंक भाई ट्रैवर 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 गाड़ी को नजर आ रही है मेरे को यार यहाँ पर,
लिटरली पहले खुद को बाहर निकाल रहा हूँ, फिर ट्रैवर को भी जुगाड़ करूंगा भाई। लेसर को कॉल करके बता दूँ, वो तो सही है, उसके पास आर्मर है और वो मतलब वहाँ पे गाड़ी के कवर लेके खड़ा हुआ है। और जब तक उसके पास एक असॉल्ट राइफल और फुल आर्मर है ना भाई, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते पुलिस वाले, लिटरली मैंने बता दूँ। और ये ड्राइवर कहाँ रहेगा भाई 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 भाई, लिटरली ओपी भाई का बाइक तो वैसे लिटरली खतरनाक है यार सच में। तो क्या यार भाई लोग देखो, मैं यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा हूँ और मैंने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया और फाइनली अभी मैं जाके देखता हूँ यार अंदर, मतलब ड्राइवर आता ही नहीं आया अंदर से बाहर। और अगर ओ भाई 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 भाई, नीचे चल चल नीचे चल, नीचे छुप 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 छुप, नीचे छुप नीचे छुप जा, नीचे छुप जा, ऊपर हेलीकॉप्टर है सर के ऊपर, हेलीकॉप्टर हैंगे। एंड बाकी देखो तो यार मतलब मैं ड्राइवर के वेट करता हूँ यार यहीं पर थोड़ी बहुत देर तक, अगर आएगा तो ठीक है, और मैं लेसर को बोलूँगा वो बंदा जो मतलब एक हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कराएगा जिसको मैं अंदर से निकलवा के लाता हूँ यार सबसे पहले। तो भाई लोग यार काफ़ी ज़्यादा यार हो चुकी है देर, और अभी मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ से जाके लेसर को सबसे पहले बताऊँगा ये बात। और अभी मेरे सर के ऊपर एक जो है हेलीकॉप्टर मंडरा तो रहा है। एंड सबसे पहले ओ भाई 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 ड्राइवर ये ड्राइवर ये ड्राइवर ये ड्राइवर, रुक 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 भाई, कितनी मतलब रुको 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 तेरी वही भाई, कितनी गंदी तरीके से गाड़ी चला रहा भाई ये बंदा। तो भाई लोग अभी मैं इससे मतलब ड्राइवर से बात करता हूँ, रुक 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 रुक, जा कर रहा है, जा कर रहा है भाई, जा कर रहा है, रुक तो जा भाई, रुक तो जा, मेरी बात तो सुन। अबे सुन भाई, मतलब भाई साहब ये तो मतलब भाग गया, ये तो गया और इसने साथ में मेरे को भी उड़ा दिया। और कसम से कह रहा हूँ भाई, मिलिट्री वाले में इतने दम है, मतलब ये मिलिट्री वालों का एक अलग ही सीन है यार, मतलब मिलिट्री में ऐसे बाहर नहीं आते जल्दी से, जब मतलब कोई तगड़ा सीन होता है ना तभी बाहर आते। और इनकी बाइक चोरी करके मैं ले जा रहा हूँ, कोई सीन दिक्कत ही नहीं है इनको भाई लोग। तो चलो कोई नहीं यार, ड्राइवर अपने यहाँ से सैंडिस हॉर्स चला गया हुआ अपने घर पे, जो इनका डेजर्ट में इसका जो घर है वहाँ चला गया हुआ सीधा छूटते ही। एंड बाइक ही गाइस यार आज का वीडियो कुछ इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया और अपने आपको ये बाइक पसंद आई हो, अल्ट्रा सुपर स्पीड वाली बाइक जिसके अंदर नाइट्रो वगैरह सब है और फ्लाइंग भी करती है, तो अगर ये बाइक पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक वाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना आप लोगों को। लेकिन मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, और जो भी करना करते हैं तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।